हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट दो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कवर की है, आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। हमें पता है हमारे पास से एक रिजिड बॉडी है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। तो उन मान लीजिए एन पार्टिकल्स, हमने अभी तक एन पार्टिकल्स के बारे में किया था, तो एन पार्टिकल्स हैं और उन एन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने अगर निकालना है तो किस तरह से एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई अपॉन में एम आई, हर एक पार्टिकल का मास एम आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह वाई बार, वाई कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्लेन के अंदर, समेशन एम आई वाई आई अपॉन में समेशन एम आई। इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार हमने इसी बॉडी का निकाला था, इसमें एन पार्टिकल्स थे। बट ऑलवेज फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहे किसी बॉडी में, ये तो ट्रू नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, और वो भी इस तरह से रिजिड बॉडी जो होती है उसके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स आपस में, तो और कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक दूसरा पार्टिकल वहां पे पैक्ड है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर होगा अगर, तो बॉडी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि हम एक्स बार वाई बार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हम लिमिटिंग पोजीशन बोली जाती है। मीन्स देखिए, इस समेशन में ये एन, बिकॉज पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनफाइनाइट हो गए, व्हेन दिस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस केस में क्या होगा जब आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर होता है। ठीक है, तो उस केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन i फ्रॉम 1 टू n, ये n इनफाइनाइट हो गया तो आपका समेशन चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन हमें देगा क्या, एरिया। ओके, लाइकवाइज जहां पे भी n है आप लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रल m, इंटीग्रल x, ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रल x dm, इंटीग्रल y dm, और जो आप डिनोमिनेटर में रख रहे थे समीशन एम आई, उस पर लिमिटिंग वैल्यूज की हो जाएगी इंटीग्रल डी एम। तो आपके पास एक्स बार वाई बार जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो हमारे पास आ गया इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रल डी एम, वाई बार इज इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रल डी एम। ठीक है, और ये डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, जहाँ से जहाँ तक आपने एरिया निकालना है जो जिस भी बॉडी के बारे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला गया है, तो वो बॉडी पूरी कवर हो जाए, इस तरह से उसकी लिमिट रखनी है हमने। ठीक है, अब देखते हैं 7.12 आर्टिकल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रोड, एक यूनिफॉर्म रोड है और से उसको हम नाम दे देते हैं, रोड है ए बी। ठीक है, और ए बी की लेंथ है लेट ए यूनिट, एम बी द मास ऑफ रोड पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब है पूरे यूनिट लेंथ के लिए मास m है, तो पूरी रोड का मास हो गया a इंटू एम। ओके, क्लियर। नाउ अब इस रोड के ऊपर एक कोई हमें स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना होगा, तो सबसे पहले हमने एक p पॉइंट लिया, एंड p पॉइंट इज से एट x डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फिक्स पॉइंट a से x डिस्टेंस के ऊपर है, तो एक स्मॉल एलिमेंट हमने चूज करना है। तो एक स्मॉल डिस्टेंस पे q पॉइंट और चूज किया, और P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है से स्मॉल डिस्टेंस डेल x, तो A Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, A प्लस डेल x। ठीक है, नाउ PQ है हमारे पास डेल x, मास इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट PQ m मल्टीप्लाइड विद d, और ये स्मॉल एलिमेंट है से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एम इज इक्वल टू एम डेल एक्स। क्लियर, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स, अभी ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रल डी एम, ये फॉर्मूला था हमारे पास, इंटीग्रल एक्स एज इट इज डी एम इज एम डेल एक्स अपॉन में इंटीग्रल एम डेल एक्स। ठीक है, एक ही वेरिएबल है वो डी एक्स ही है हमारे पास, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रल एक्स डी एक्स अपॉन में डी एक्स। नाउ लिमिट देखिए,
ये पूरी जो बॉडी है ये कवर हो जाएगी अगर हम इसकी लिमिट एक्स को कहाँ से वेरी करवाएं। एक्स देखिए यहाँ से शुरू है ए पॉइंट से, तो अगर इस पॉइंट को हम जीरो मान लें और इस पॉइंट को हम ए मान लें तो ये पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, होल बॉडी कवर होनी चाहिए। इस तरह से आपने लिमिट लेनी है, तो जीरो टू ए, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन की लिमिट फ्रॉम जीरो टू ए, एंड नीचे आएगा एक्स जीरो टू ए। सिंपलीफाई करने के बाद वी गेट ए बाई टू। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा ए से ए बाई टू डिस्टेंस के ऊपर, ए बाई टू डिस्टेंस के ऊपर, मतलब इसके मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने देखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना है हमारे पास, ए बी सी हमने नाम दे दिया उस ट्राइंगुलर लेमिना को, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है कहाँ लाई करता है। नाउ हम कुछ लेट कर लेते हैं, लेट ये ए डी, लेट मीडियन है, मीडियन ए डी, मीडियन का मतलब है आपने अगर ए वर्टेक्स से डाली है तो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी। ओके, नाउ लेट मीडियन ए डी की लेंथ हम ले लेते हैं, से एल लेंथ ले ली, एंड ए एल दिस लेंथ, ये आपने एक एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। दिस स्मॉल एलिमेंट पी क्यू हमने कंसिडर किया हुआ है, बिकॉज हम हमेशा इंटीग्रेशन जब भी करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे पे, तो वो पूरे एरिया निकल आएगा। देखिए इस पी क्यू को अगर रोड को मैं ए पॉइंट से लेके बी बी सी तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, मतलब जीरो टू एल लेंथ पे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, बिकॉज एडी की लेंथ है ये, ए पॉइंट मान लीजिए फिक्स है, यहाँ पे लेंथ जीरो, और डी पे पहुँचते ही एडी की लेंथ हो गई एल, तो जीरो से एल में अगर इंटीग्रेट कर दूंगी, ये स्ट्रिप अगर पूरे इसमें कवर करती है तो हमें पूरा एरिया मिल जाता है। तो इस स्ट्रिप ए जो फिक्स पॉइंट है उससे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है, एंड थिकनेस कितनी है इस स्ट्रिप की, एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिप से है डेल एक्स, मतलब ये जो पी क्यू है इसकी थिकनेस डेल एक्स है। ओके, ये थिकनेस है यहाँ पे इतनी। नाउ अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो उनका साइड्स का रेशियो क्या होगा, पी क्यू जो साइड है उसका रेशियो टू ए बी सी ट्राइंगल के बेस बी सी के साथ इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए टी। नाउ हमें निकालना है पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, सॉरी दिस इज ए एल, ए एल, ए एल की लेंथ है एक्स इंटू आएगा बी सी, बी सी कितनी लेंथ है, ओके बी सी हमने कंसिडर नहीं किया, लेट मीडियन की लेंथ एल हो गई एंड बी सी की लेंथ लेते हैं हम ए, तो बी सी ए अपॉन में ए डी, ए डी की लेंथ हमने ली हुई है एल, ये पी क्यू एल आ गया हमारे पास, जो ये हमने एक स्ट्रिप मानी हुई है, इस स्ट्रिप की लेंथ इतनी हो गई और ब्रेड्थ कितनी है इसकी डेल एक्स, ठीक है। नाउ अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप पी क्यू, तो ये लेंथ आई थी एक्स ए अपॉन में एल और इसकी ब्रेड्थ है डेल एक्स, तो ये इसका एरिया निकल गया। एज ए ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, इसे एज ए रेक्टेंगल कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, मास ऑफ स्ट्रिप पी क्यू उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी एम से, तो ओके हमने मास कंसिडर करना चाहिए था स्टार्टिंग में, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट एम बी द मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया ले रहे हैं इसमें, बिकॉज देखिए इससे पहले जो हमने रोड रोड का एग्जांपल लिया था, रोड वन डी के अंदर हमने इस तरह से कंसिडर किया हुआ था एलिमेंट, तो वहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ लिया था। अब जब टू डी के अंदर इस तरह से हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो उनमें मास पर यूनिट एरिया ले लेंगे, तो एम मास पर यूनिट एरिया है, तो इस स्ट्रिप का एरिया इतना है, तो इस स्ट्रिप का मास कितना हो जाएगा एक्स ए अपॉन में एल इंटू एम डेल एक्स, एम से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट एक्स बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ट्राइंगल
ट्रायंगुलर बॉडी ए बी सी फ्रॉम फिक्स पॉइंट ए, कितना हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू एल, बिकॉज हम इस एलिमेंट को कहाँ से कहाँ वेरी करवाएंगे, 0 से एल पे वेरी करवाने वाले हैं, 0 टू एल एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रल 0 टू एल डी एम। नाउ डी एम की वैल्यू लगा लेंगे 0 टू एल एक्स डी एम इज ए एक्स बाई एल एम डी एक्स, इंटीग्रल 0 टू एल ए एक्स एल एम अपॉन में डी एक्स, ठीक है, एम अपॉन एल एंड ए, ये सब यहाँ पे चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगी, सेम डिनोमिनेटर से भी ये बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 0 टू एल एक्स डी एक्स, इनको इंटीग्रेट करना है हमने, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, वी विल गेट 2 बाई 3 एल, एल क्या था, लेंथ थी ए डी की, इट मीन्स ये आया 2 बाई 3 ए डी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट से 2, ये जो एल लेंथ है, ए डी की जो लेंथ एल है उसके 2/3 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 7.14, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म पैरेललोग्राम लैमिना है, एक पैरेललोग्राम है बट ऑफ लैमिना, ये जो बोला गया है ये बहुत ही थिन, मतलब ज़्यादा इनकी ब्रेड सॉरी हाइट नहीं है, बहुत ही थिन एक ट्रायंगुलर, जैसे पिछला था ट्रायंगुलर लैमिना और ये है पैरेललोग्राम लैमिना, तो बहुत ही थिन है ये, ओके तो अभी हमने इस पैरेललोग्राम के अंदर ए बी सी डी, पैरेललोग्राम के ए बी और सी डी जो कि ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लेके रखी है, दैट इज ओ एल, और एक एलिमेंट ले लिया जो ए बी और सी डी के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने जिसकी ब्रेड्थ या जिसकी मोटाई जो है वो है डेल एक्स, ठीक है, अब ओ इस पॉइंट से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है ये आपकी स्ट्रिप, जिस स्ट्रिप जो हमने कंसिडर की है ओ फिक्स पॉइंट है उससे एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी जो मोटाई है वो डेल एक्स है और पी क्यू स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो गई, बिकॉज हमने लेट ए बी लिया हुआ है 2a एंड ए डी जो है वो 2b लेंथ कंसिडर की हुई है, तो पी क्यू की लेंथ भी हो गई 2a और पी क्यू की मोटाई हो गई डेल एक्स, बिकॉज अभी हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है हमने, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, पी क्यू स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 2a एंड ब्रेड्थ इज डेल एक्स, ओके, इसी तरह से लेट एम बी द मास, एम बी द मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास m है तो मास ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्ट्रिप पी क्यू इज इक्वल्स टू m into 2a into del x, okay, now center of gravity let x bar be the center of gravity from ab, ab को अगर हम फिक्स मान लेते हैं तो ab इस लाइन से center of gravity ol पे लाई करेगा obviously, ठीक है, along o L, because वो मिड पॉइंट पे को ज्वाइन कर रही है OL, वो लाइन है, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज x बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x dm, ये मास है इसी को ही dm हम लिखते हैं, सो x इंटू m इंटू 2a dx अपॉन में x सॉरी m इंटू 2a dx, नाउ देखिए अब इंटीग्रेशन आपने किसका देखना होता है, जो आपने x लिया, बिकॉज चेंज कहाँ हो रहा है, x के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए, देखिए अगर ये स्ट्रिप पी क्यू स्ट्रिप यहाँ पहले ए बी पॉइंट पे थी मान लीजिए पी क्यू स्ट्रिप और ये पी क्यू स्ट्रिप मूव करते करते सी डी पे पहुंच जाए तो ये पूरा एरिया कवर कर लिया, इसका मतलब उसने, ठीक है, पूरा पैरेललोग्राम उसने कवर कर लिया वहां पे, तो इसी तरह ये जो x लिया है हमने ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ तक जाएगा पूरा,
तो ये पूरी लेंथ है कितनी, ओ एल की लेंथ है कितनी, दैट इज 2b। तो इसलिए इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएंगी वो आएंगी 0 से 2b। आपने हमेशा जो भी एलिमेंट चूज करो, देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि पी क्यू आपने एलिमेंट इसी तरह से लिया हो। मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम आप ये चूज करते हैं और उसमें जो आप स्ट्रिप है ये इस तरह से भी चूज कर सकते हैं, ये स्ट्रिप, ये पी क्यू स्ट्रिप आपने चूज कर ली जिसकी लेंथ है डेल एक्स, ठीक है, और आपने एक्स एलिमेंट ये इस फिक्स पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है ये स्ट्रिप। तो पूरे यहाँ से दिस इज एल, ओ से एल तक आप अब वेरी करवाओगे और इसकी लेंथ है 2a, तो एरिया कितना हो जाएगा उस केस के अंदर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2a लेंथ का होगा। बट अब आपने स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर की हुई है, x आपने ये एलिमेंट माना हुआ है, तो x को कहाँ से कहाँ वेरी करवाना है, 0 से 2b, पूरी लेंथ है 2b, क्लियर। तो इस तरह से जरूरी नहीं है ऑलवेज ऐसे ही लो, आप ऐसे भी ले सकते हो, बट अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट उसी तरह से रखना, 0 से 2b इंटीग्रेशन करना है। m यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2am यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 0 टू 2b x dx अपॉन में 0 टू 2b dx, ये आपने इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करके हमने सिंप्लीफाई किया और आ गया b। इसका मतलब है ये 0 टू 2b लेंथ थी, ol के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है और वो o पॉइंट से, o फिक्स पॉइंट से b डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, मतलब इस 2b, ol की लेंथ थी 2b, उसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 7.15, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। तो ए बी सी डी टेट्राहेड्रन है, डी ये वर्टेक्स हो गया हमारे पास। नाउ अब हमने एक स्ट्रिप कंसिडर करनी है, इस टेट्राहेड्रन का बेस ए बी सी लिया हुआ है, इसी बेस के पैरेलल पी क्यू आर एक स्ट्रिप हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। नाउ अब इस ए बी सी ट्राइंगल का सेंट्रोइड है जी डैश पे उसको, और डी को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया है, और ये लाइन जो पास हो रही है इसी पे एक पॉइंट है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास सेंट्रोइड रहेगा किसका, पी क्यू आर, इस जो स्ट्रिप आपने कंसिडर की है इसका। इसी तरह से ए बी सी के पैरेलल अगर कोई और स्ट्रिप आप यहाँ पे मान लो कंसिडर करते तो उसका सेंट्रोइड भी हम किसके ऊपर लाई करता होता, इस डी जी डैश लाइन के ऊपर ही लाई करता होता, ठीक है। नाउ लेट कर लेते हैं, जी डैश सेंट्रोइड है ट्राइंगल ए बी सी का, जो प्लेन सरफेसेस होते हैं वहां पे सेंट्रोइड बोला जाता है, इस वजह से हम सेंट्रोइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो सरफेस होते हैं वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थ्री डी ऑब्जेक्ट्स में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ डी जी डैश की लेंथ ले ली एच एंड डी स्मॉल जी हमने ले लिया एक्स, ठीक है। अब इसकी नाउ देखिए, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का डिस्टेंस जो कि एक फिक्स पॉइंट से है उनके स्क्वायर के इक्वल हो गया। डी जी हमारा है एक्स एंड डी जी डैश इज एच। नाउ देन पी क्यू आर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। इसको अगर हम बार बार ये ना लिखना चाहें, सिर्फ डेल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल के एरिया को, डेल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम इन टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके नाउ लेट अगेन एम बी द मास ऑफ यूनिट एरिया, देन मास ऑफ स्ट्रिप जो कि है ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इन टू एम। ओके ये मिस्टेक है यहाँ पे, देखिए ये 3D ऑब्जेक्ट अब हमने लिया है, टेट्राहेड्रन 3D है, स्पेस में बनता है, तो एरिया की बात नहीं होगी अब यहाँ पे, किसकी बात होगी, वॉल्यूम की। तो इस स्ट्रिप की थिकनेस है, ये जो स्ट्रिप है इसकी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ पी क्यू आर स्ट्रिप दैट इज डेल एक्स। ओके
इसको वॉल्यूम मास ऑफ दिस होल स्ट्रिप, तो एक्चुअल में पर यूनिट एम मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस स्ट्रिप का आपके पास एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये एरिया, एरिया को जब थिकनेस से और मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज डेल एक्स, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर आपके पास है डेल एक्स। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, उसको अगर हम एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम, और मास निकालना है तो इसलिए यहाँ पे एम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ जो रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेट एक्स बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस टेट्राहेड्रन फ्रॉम सिक्स पॉइंट डी से हम ले लेते हैं, तो देन एक्स बार इज इक्वल्स टू, ओके ये स्ट्रिप जो है इसकी मोटाई, ये स्ट्रिप आपने इसकी मोटाई जो ली आपने डेल डेल एक्स लेके रखी है, और ये लेंथ आपने एक्स ली है, ठीक है। तो एक्स को कहाँ से कहाँ वेरी करवाना होगा, जो इसकी पूरी लेंथ होगी डी जी डैश की, ओके डी से स्मॉल जी एक्स लिया है, उसी को अगर पी क्यू आर को अगर हम थोड़ा और नीचे लें, तो इस तरह से पूरा एरिया कब कवर होगा, जब ये पी क्यू आर यहाँ डी पॉइंट से शुरू होकर पूरे ए बी सी एरिया को कवर कर लेते हैं, ऐसे मतलब सारी पैरेलल स्ट्रिप्स अगर हम कंसिडर करते जाएँ, तो इसका मतलब एक्स वेरी कर रहा है हमारा जीरो से लेके एच तक, जीरो से एच डेल, एक एक्स मल्टीप्लाई होता है डेल एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर एम डी एक्स डिवाइडेड बाई जीरो टू एच डेल एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर एम डी एक्स, ये हमारे पास बच गया जीरो टू एच एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन में जीरो टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट हमने पुट करनी है जीरो टू एच, हमें मिलेगा थ्री बाई फोर एच, एच वन एच मीन्स डी जी डैश, थ्री बाई फोर ऑफ डी जी डैश का थ्री फोर्थ। इसका मतलब क्या है, देखिए डी जी डैश जो है उसको अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो डी से तीन पार्ट, डी जी डैश को अगर चार पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं, तो ऊपर से तीन पार्ट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर हमने ले लिया। नाउ सर्कुलर वायर था मींस ये एक सर्कल का पार्ट है पूरा, ये यहाँ पे सर्कल था उसका एक पार्ट ले लिया हमने, एंड नाम दे देते हैं से ए बी, एंड सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो मोस्ट लाइकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वायर का, सिर्फ वायर का, हमें सर्कल का नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वायर की बात कर रहे हैं, इस वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट लाइकली मान लीजिए सी के अराउंड हमें लाई करता हुआ मिलेगा। एंड ये जिस सर्कुलर वायर का पार्ट है उसकी रेडियस थी ए, देन ओ सी डिस्टेंस हो गया हमारे पास ए, ठीक है। अब ये दिस सर्कुलर वायर एंगल कितना बना रही है, मान लीजिए टू अल्फा एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, मतलब दिस एंगल ए ओ बी इज, लेट एंगल ए ओ बी टू अल्फा एंगल बना रही है ये यहाँ पे, ठीक है, मीन्स अल्फा एंगल इधर है, अल्फा एंगल एक्सिस के ऊपर है। अब एक एलिमेंट हमने ऑब्वियसली चूज करना होता है, तो वो एलिमेंट हमने चूज कर लिया पी, और वो पी मान लीजिए आपके एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है, और एक स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पे जो कि डेल थीटा एंगल के ऊपर, मतलब हो गया एंगल पी ओ एक्स इज थीटा एंड एंगल पी ओ क्यू इज डेल थीटा, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू डेल थीटा, इसका मतलब हो गया एंगल एक्स ओ क्यू इज इक्वल्स टू थीटा प्लस डेल थीटा। देन इस पी क्यू आर्क की लेंथ कितनी होगी, दिस पी क्यू आर्क, आर्क की लेंथ देखिए, ये आपके पास कोई आर्क इस तरह से बन रही है, और ये डेल थीटा एंगल बना रही है, एंड दिस ओ, ये है ओ पी और ये है क्यू, ओ पी ऑब्वियसली रेडियस है तो वो है ए, ठीक है। नाउ डेल थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क पी क्यू अपॉन में रेडियस ए, देन आर्क पी क्यू की लेंथ कितनी हो गई ए डेल थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू ए डेल थीटा। नाउ
अब मास कंसिडर कर लेते हैं, लेट एम बी द मास पर यूनिट, एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, लेंथ होगा, बिकॉज सिर्फ इस वायर की बात हो रही है यहाँ पे, पर यूनिट लेंथ है. देन मास ऑफ दिस एलिमेंट, मास ऑफ पी क्यू कितना हो गया, एम और इसकी इंटू इसकी लेंथ. ओके, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एलिमेंट, अभी इस एलिमेंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. ठीक है, ये एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस वायर ए बी वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. एक्स बार इज इक्वल टू, ओके, अब देखिए ये एंगल कितना बना रहा है, हम थीटा पे वेरी करवा रहे हैं, करेक्ट, चेंज किस में आ रहा है, थीटा में. तो ये थीटा कहां से कहां तक चेंज होगा, ओ ए से लेके ओ बी तक हमने लेना है. अब ये टू अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा एंगल सी ओ बी अल्फा एंगल है, सी ओ ए अगेन अल्फा है, तो वो क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस अल्फा टू अल्फा जब हम थीटा को वेरी करवाएंगे, तो इस आर्क, क्योंकि ये आर्क जो वेरी कर रही है वो चेंज किस में देख रहे हैं, वहाँ हम थीटा के अंदर, तो थीटा पूरा अब हम चेंज देखना है, माइनस अल्फा टू अल्फा एक्स इंटू डी एम करते थे, डी एम कितना है, एम ए डेल थीटा अपॉन में माइनस अल्फा टू अल्फा एम ए डेल थीटा, और एक ही वेरिएबल है तो डी थीटा हो जाएगा. नाउ इस एक्स की वैल्यू और रखनी है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज एक्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और अगर हम थीटा इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं तो हम पोलर कोऑर्डिनेट पे कर रहे हैं. तो अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो कि मान लीजिए पी पॉइंट के अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई पी पॉइंट के, अगर इसको हम थीटा के टर्म में लिखना चाहें, तो ये ओ पी, आपने इसको कैसे देखना है, ओ पी जो है आपका ऑफ लेंथ कितनी है, ओ पी की लेंथ ए है. ठीक है, ए लेंथ का कोस कॉम्पोनेंट होता है, कोस कॉम्पोनेंट किधर होता है हमारा, ये, तो ये लेंथ कितनी होगी, a cos थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट a cos थीटा. अब ये y डिस्टेंस y एक्सिस पे कितना है, दिस लेंथ, ये कितनी हो जाएगी, a sin थीटा. इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लें, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो उसके x एक्सिस पे लेंथ दे देगा, और जो हाइट है उस ट्रायंगल की, ठीक है, मान लीजिए l नाम देते हैं, तो POL जो ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो OL हमें इस x कोऑर्डिनेट दे देगा, एंड क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है ना, इसका मतलब OL की लेंथ x है, उसको OL को हम a cos थीटा भी लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, और ये जो y लेंथ है ये इतनी, क्योंकि हमने इसका कोऑर्डिनेट y माना हुआ है, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी a sin थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी माइनस अल्फा टू अल्फा a cos थीटा m a d थीटा अपॉन में माइनस अल्फा टू अल्फा एम ए डी थीटा. थीटा में चेंज देखना है, जिस टर्म में थीटा नहीं है वो बाहर आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एम ए स्क्वायर, और नीचे से एम ए बाहर आ जाएगा. देन इसमें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन में अल्फा. इस फिगर का अगर y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का देखना हो तो वो कितना आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने किस तरह से, देखिए हमने आर्क किस तरह से कंसिडर करी हुई है कि सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे अगर लाई करता है हमारा, तो सिर्फ वो x डिस्टेंस ही बता सकते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से 0 से x में कितना डिस्टेंस है वो बता सकते हैं. y कोऑर्डिनेट तो उसका क्या रहेगा, दिस इज x बार, और y बार कितना हो जाएगा इसका 0. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार इसका बन गया ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा कोमा जीरो. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया इस सर्कुलर वायर के लिए. ठीक है, नाउ स्पेशल केस भी हो सकता है, इफ दिस अल्फा इज 90 डिग्री. ठीक है, सेमी सर्कुलर ले लेते अगर हम इस वायर को, ठीक है, पूरी तरह से ये प्रॉपर आधा सर्कल अगर हम ले लेते तो ये अल्फा 90 हो जाता, तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू आप लगा लेते, तो उस केस में ये यहाँ पे उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिल जाता. नेक्स्ट है आर्टिकल 7.17, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. देखिए लास्ट जो आर्टिकल किया है और इस आर्टिकल में डिफरेंस क्या है, ये आपके पास सर्कल है, लास्ट जो आर्टिकल किया उसमें इस सर्कल
जिस वायर, मान लीजिए किसी वायर की हेल्प से बना हुआ है, तो ये जो वायर है सिर्फ ये पोर्शन था, सिर्फ इस वायर के बारे में बात हो रही थी। अब सेगमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इतना पोर्शन ले लें सर्कल का, ठीक है, ये एरिया, इतना सर्कल का एरिया ले लिया जाए, अगर ये डी शेप जो आपको दिख रही है पूरी, दैट इज सेगमेंट। तो वो सेगमेंट अभी है ए सी बी। इस ए सी बी सेगमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने देखना है, वहाँ पे मतलब वो एरिया अब कंसिडर कर रहे हैं हम इस केस के अंदर, क्लियर। मान लीजिए आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेट ये सर्कल है, मीन्स रेडियस कितनी हो गई ए, ओके, ए रेडियस हो गई। तो ओ बी ओ ए ओ सी, ओ बी ओ ए ओ सी, ये सब क्या हो गई, ए लेंथ हो गई, रेडियस है बिकॉज ये सर्कल की, ठीक है। नाउ अब एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली, इस सेगमेंट में एरिया वेरी करवाएंगे कहाँ से, यहाँ से पूरा लेके ए बी तक ये स्ट्रिप इस तरह से वेरी करे, देन लेट स्ट्रिप पी क्यू ऑफ थिकनेस डेल एक्स, थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली और लेंथ पी क्यू की हमने ले ली है से 2y, ओके, 2y लेंथ की डेल एक्स थिकनेस की, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू 2y डेल एक्स, ओके। y की वैल्यू क्या हम इस इक्वेशन से रख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव लिया है हमने सिर्फ, ओके। नाउ लेट m बी द मास पर यूनिट, इस बार क्या लेना होगा, पर यूनिट एरिया लेना होगा, एरिया की बात कर रहे हैं हम, देन मास ऑफ दिस स्ट्रिप पी क्यू, स्ट्रिप का मास कितना हो जाएगा, m 2 m अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल एक्स, इसको m ने m से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्लियर। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सेगमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेगमेंट ए सी बी जो सेगमेंट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोऑर्डिनेट है x बार y बार, ओके। नाउ x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 2m अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में इंटीग्रल 2m अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। अब ये देखना है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है, इंटीग्रेशन देखिए इस सेगमेंट को, ये जो सेगमेंट है आपकी, इसकी थिकनेस इधर ली है डेल x, मतलब x में चेंज इधर देखना है आपने, इस सेगमेंट को मूव करवाना है, एक बार ये सी पे होगी बिल्कुल यहाँ पॉइंट एज ए पॉइंट, और एक बार ये होगी ए बी पे, तो इसका मतलब ओ एम से लेके ओ सी तक हमने इस सेगमेंट को क्या करना है, ओ एम, ओ एम डिस्टेंस हो गया यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाना है, तो ओ एम से ओ सी तक आपने इसको वेरी करवाना होगा हमें, किसको, इस डेल एक्स को। नाउ ओ एम इज, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से देखते हैं, से वी हैव दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी, जो कि थीटा एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन ओ एम इज, ये ए है, ओ एम बन जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है, ओ एम इज ओ सॉरी ए कोस थीटा, और ओ सी की लेंथ कितनी है ए, तो ये इंटीग्रल हो गया ए कोस थीटा 2a, 2m बाहर हो गया, x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2m a cos थीटा अपॉन में a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 2/3 a साइन क्यूब थीटा अपॉन में थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये सेगमेंट इस तरह से चूज किया हुआ है बिकॉज ये सिमेट्री अबाउट ओ सी या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट इज 0, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेगमेंट कितना आ जाएगा, x बार y बार इज इक्वल टू 2/3 a साइन क्यूब थीटा अपॉन में थीटा माइनस साइन थीटा
cos theta, comma 0. नेक्स्ट आर्टिकल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कॉन है. ठीक है, ये एक सॉलिड कॉन ले लिया, सिमेट्रिक अबाउट ले लिया, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा यहाँ पे. देन आपके पास एक इस तरह से आपने स्ट्रिप ली, ये पॉइंट पी है, ये आपने एक स्ट्रिप ली. ठीक है, इस स्ट्रिप मतलब ये जो बेस है इस कोन का, उस बेस के यहाँ पे पैरेलल एक स्ट्रिप आपने लेके रखी है जिसका हाफ पे मिड पॉइंट पे ये पी मैंने रखा हुआ है, तो ये ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू. ओके, नाउ अब इस क्यू जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में से एक्स कोमा वाई, दिस डिस्टेंस इज एक्स. ओके, और ये आपके पास हो गया वाई. देन अगर इस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाए, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज पी ओ एंड दिस इज थीटा और बेस है उसका एक्स. ठीक है, और हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मैं वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना चाह रही हूँ. ठीक है, देन टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है हमारा वाई अपॉन में बेस इज एक्स, तो वाई की वैल्यू एक्चुअल में एक्स टेन थीटा हम लिख सकते हैं कि नया एक वेरिएबल ना इंट्रोड्यूस करना पड़े, तो दिस वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा. ठीक है, नाउ सॉलिड कौन है, वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप, ये एक सर्कुलर स्ट्रिप है बट एक थिकनेस रखती है, लेट पी क्यू या आर क्यू बोल देते हैं, लेट आर क्यू बी द स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डेल एक्स, देन वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप कितनी हो जाएगी, एरिया. ठीक है, एरिया के लिए सर्कुलर स्ट्रिप है यहाँ पे, तो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और उसकी रेडियस कितनी है वाई, वाई कितना है एक्स टेन थीटा, देन पाई आर स्क्वायर इंटू इट्स थिकनेस, देन पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डेल एक्स, ये आपके पास हो गया वॉल्यूम. लेट एम बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम, देन मास ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ स्ट्रिप इज एम पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डेल एक्स. ओके, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट एक्स बार वाई बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रिक्वायर्ड कोन, सो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स को कहाँ से कहाँ वेरी करवाना होगा, इस पूरे जो कोन की हाइट है दैट इज एच, ये एक्स है हमारा, तो एक्स को जीरो से शुरू करके पूरे एच तक जब हम वेरी करवाएंगे तो ये कितना बनेगा, जीरो टू एच एक्स इंटू एम पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स अपॉन में जीरो टू एच एम पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स. ओके, सो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए इसमें हमारे पास एम कॉमन है, पाई कॉमन है, सॉरी मतलब कॉन्स्टेंट है, टेन स्क्वायर थीटा ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, एम पाई टेन स्क्वायर थीटा जीरो टू एच एक्स क्यूब डी एक्स, इसी तरह से यहाँ पे भी एम पाई टेन स्क्वायर थीटा जीरो टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट थ्री बाई फोर एच, एच मतलब थ्री बाई फोर ओ सी, ओ सी जो है दैट इज हाइट ऑफ कोन, उसके थ्री फोर्थ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, बिकॉज सिमेट्री ली है हमने इसको, एक्स एक्सिस पे इस तरह से लिया है, वाई बार इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन कितना आ जाएगा, एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू थ्री बाई, ओके दिस इज फोर, थ्री बाई फोर एच कोमा जीरो. इसका मतलब है जो वर्टेक्स है कोन का उससे थ्री फोर्थ डिस्टेंस, मतलब इस ओ सी पूरी को अगर हम फोर पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, देन ओ से थ्री फोर्थ डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, और बेस से लेना हो तो कितना बच जाएगा, पूरे हाइट में से थ्री बाई फोर अगर हम एच माइनस कर दें तो वन बाई थ्री एच, मतलब बेस से वन थर्ड ऊपर से थ्री फोर्थ,
sorry, this is one fourth. Next आर्टिकल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ ए प्लेन कर्व. एक प्लेन में कोई कर्व है उसकी एक आर्क लेके रखी है. सेम हम इसी तरह से हमने काम सर्कल की एक आर्क ली थी, ठीक है, उस पर भी किया था. बट यहाँ पे कोई भी प्लेन कर्व है उसकी एक आर्क ले ली ए बी, ठीक है. और ये ए एक्स, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ए, जीरो से ए डिस्टेंस पे है. मतलब ये जो लाइन यहाँ से पास कर रही है इसे बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी. मतलब ये लाइन सेंटर से बी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है. अब एक वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उसकी एक आर्क हो गई ए बी. इस आर्क पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और ये पी पॉइंट ए से एस डिस्टेंस पे है. मतलब ए पी इज इक्वल टू एस, और इसके पास एक और जो स्मॉल एलिमेंट चूज करना होता है, तो पी क्यू हमने ले लिया डेल एस, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट डेल एस पी क्यू. तो ए से क्यू की लेंथ हो गई एस प्लस डेल एस, ठीक है. नाउ रो इज डेंसिटी ऑफ दिस आर्क ऑफ कर्व एट पी पॉइंट पे. इस आर्क की जो जो भी मटेरियल है डेंसिटी वहां पे है, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन मास ऑफ आर्क पी क्यू, आर्क का मास कितना हो जाएगा वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल एम से. जिस तरह से डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, बट यहाँ एरिया की बात होगी तो मास पर यूनिट एरिया. तो मास की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू एरिया उस एलिमेंट का, ठीक है, इस एलिमेंट का इन टर्म्स ऑफ लेंथ यहाँ दिया हुआ है. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ए बी, पूरे क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने देखना है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट. और वो हमें पता है कितना होता है, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एम इंटीग्रल डी एम. नाउ डी एम, डी एम को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. सो एक्स रो डी एस अपॉन में इंटीग्रल रो डी एस, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डी एस अपॉन में इंटीग्रल डी एस. इसी तरह से y बार भी जो होता है हमारा y dm अपॉन में इंटीग्रल dm, वो भी हमारा कितना बन जाएगा y ds अपॉन में d. तो इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ की टर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जहां पे भी निकालना होगा हम ये यूज कर लेंगे फॉर्मूला, ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज करते वक्त हमें जरूरत पड़ेगी ds की. तो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब अगर x और y की फॉर्म में आपके पास कर्व दिया हो तो उस केस में ds इज अंडर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इंटू dx. अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास कर्व दिया हो, मींस r और थीटा की फॉर्म में अगर आपके पास कर्व दिया हो, तो उस केस में ds, ये जो हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है, दिस ds इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr by d थीटा होल स्क्वायर d थीटा, ओके. और इन पैरामेट्रिक फॉर्म, कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हो, मींस x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t, या थीटा की फॉर्म में दिया हो, उस केस में अगर ds निकालना है तो वो होगा अंडर रूट dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर इंटू dt, ठीक है. तो अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर में इस एक्सरसाइज के 7.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें ये सब हमें यूज करना है. तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू.